कपड़ों के गोदाम में भीषण आग लग गई है। बल्लभगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कपड़ों के गोदाम में भीषण आग लगी। बल्लभगढ़ के बनियाबाड़ा इलाके में आग लगी है, इस वक्त की बड़ी खबर। फिलहाल आपको बता दें, मौके पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां पहुंची हैं, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। घर के अंदर लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। कपड़ों के गोदाम में भीषण आग लगी है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इस तरीके से धुएं का गुब्बारा आसमान में जा रहा है और तस्वीर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण लगी है। बल्लभगढ़ में कपड़ों के गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां पहुंची हैं, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। घर के अंदर लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है, जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, गोदाम में भीषण आग लग गई है और इसी जगह कल प्रशासन ने रियलिटी चेक किया था, यहाँ प्रशासन पहुंचा था। कपड़ों के गोदाम में भीषण आग लगी है। संवाददाता राजा पटेल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। राजा, फिलहाल कितना नुकसान हो चुका है, कितने नुकसान की खबर आ रही है, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बल्लभगढ़ के बनियाबाड़ा मोहल्ले में कपड़ों का गोडाउन है, उसमें आग लगी। हालांकि अभी जो शुरुआती लगातार आग बुझाने की कोशिश जारी है, हालांकि जो अंदर लोग थे उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है, सेफली निकाल लिया गया है, कोई जानमान का नुकसान नहीं है। पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल बल्लभगढ़ प्रशासन की बात करें तो मॉकड्रिल करके कहीं ना कहीं लोगों को सुविधाएं प्रशासन कहीं ना कहीं मुहैया कराने की बात जरूर, जो लोग यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि पिछले आधे से पौन घंटे लेट फायर ब्रिगेड गाड़ी पहुंची है यहाँ पर आग बुझाने के लिए, जिसकी वजह से पूरे गोडाउन में और बगल के घर में भी कहीं ना कहीं आग ज्यादा फैल गई। हालांकि किसी के जानमान का नुकसान नहीं है फिलहाल, अभी फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पर है, आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। बिल्कुल, कोशिश अभी की जा रही है आग बुझाने की, पूरी तरीके से आग बुझाया नहीं गया। जो साथ वाले घर में भी आग लग गई है, वहां से भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या वो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि गलियां जो है, ये मोहल्ला है और गलियां काफी छोटी हैं, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अंदर घुसने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि जो छोटी गाड़ी है फायर ब्रिगेड की, वो पहले उसको अंदर किया गया। और मैं आपको बता दूं कि फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं, उन्होंने सबसे पहले जो लोग थे उनको घर के बाहर कहीं ना कहीं उन्होंने सीढ़ियों के रास्ते बाहर निकाला। हालांकि लोग सेफली सुरक्षित कहीं ना कहीं लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, पर आग बुझाने का जो काम है अभी भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया राजा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आग बुझाने के काम अभी भी जारी है, साथ वाले घर में भी इसके चलते आग लगी, जहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां पहुंची हैं। तो कल इसी जगह पर प्रशासन ने मॉक ड्रिल भी किया था और आज वही आग लग गई है। कपड़ों के गोदाम में भीषण आग लगी, साथ वाले घर को भी आग ने अपनी जद में ले लिया। बल्लभगढ़ के बनियाबाड़ा इलाके में भीषण आग लगी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां पहुंची हैं, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। घर के अंदर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और फिलहाल आग बुझी नहीं है। आग को बुझाने के लिए दो दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ी बात तो यह कि कल इसी जगह पर प्रशासन ने मॉक ड्रिल किया था।